गाइस दादा भी आ चुका है यहाँ पे। वहाँ बीयू को लगा था कहाँ पे गाइस? बीयू को लगा था। कितने दिन बाद आ रहे हो? 4 दिन बाद। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस, आज कृष्णा और मेरी दोनों की स्कूल की छुट्टी है और आज मम्मी ने खुश खबरी दे दी है। मम्मी को 4 दिन हो गए पूरे हॉस्पिटल गए, दादू को एडमिट हुए, लेकिन आज मम्मी का फोन आया, निकल चुकी है हॉस्पिटल से और आधे घंटे में आने वाली है। मम्मी का अभी फोन आया, कह रही निकल चुके हैं, अब आधे घंटा हो गया निकले, आधे घंटे में आ जाएंगे। अब कितना कैसा लग रहा है? 4 दिन बाद आ रही मम्मी, अच्छा लग रहा है। गाइस अभी मैं यहाँ पे अपनी किशमिश खाते हैं, भूख रखी थी, खाते फिर मिलते हैं मम्मी से। आप आने ही वाली 15 मिनट में। गाइस मम्मी आ चुकी है फाइनली। मम्मी इतनी देर क्यों लग गई आपको? जांच हो रही है। दादा आ गया? गाइस दादा भी आ चुका है यहाँ पे। मस्त बीयू को लगा था कहाँ पे? गाइस बीयू को लगा था। कितने दिन बाद आ रहे हो? 4 दिन बाद। गाइस छोटे बाबा भी मस्त यहाँ पे आ चुके हैं। गाइस डैडी भी आ चुके हैं आइसक्रीम लाके। अब हम क्या नाश्ता करके? कौन कौन सी आइसक्रीम है? गाइस दादा एक गले में जलन हो रही थी इसलिए डैडी आइसक्रीम लिया है, खा रहे थे। मेरे पास भी आइसक्रीम है। गाइस अभी यहाँ पे दादी मस्त चाय बना रही है अभी यहाँ पे, क्योंकि अभी गुड़िया मौसी और चंदन दादा आए हैं तो उनके लिए चाय बना रही है, मिलने के लिए दादा से। अभी चाय बन जाए फिर देने चलते हैं। गाइस नमकीन लगा देते हैं नाश्ते में। गाइस चाय देने चलते हैं। आज आपका हमारे घर में कैसे आना हुआ भैया? हम वो डॉक्टर है वहाँ से आ रहे हैं। अच्छा दादा से मिलने गई थी आप? दादा से मम्मी से फोन किया था तो मम्मी बोली हम घर के लिए निकल रहे हैं, हमारी जाके नहीं। अच्छा आप कभी एक ही अस्पताल से वो चल रहा है ना? जी अस्पताल में ज्यादा एडमिट था उसमें भी आप अपना इलाज करा रही हैं। गाइस एक चाय बस की तो मैं भी पी लेता हूँ। गाइस अभी सभी लोग तो अपने घर जा चुके हैं, अब ट्यूशन का टाइम होने वाला है, ट्यूशन पे निकलते हैं। गाइस अब जा रहे हैं सब लोग सामने। मम्मी ये कौन लोग आए थे? बाय। गए गाइस चंदन दादा आए थे, उनकी मम्मी आई थी और उनकी बहन आई थी, और कौन आया था? रोली दीदी के हस्बैंड आए थे, इतने लोग आए थे। और मम्मी आज ट्यूशन का समय हो गया है, 5 मिनट ज्यादा होकर छुट्टी कर लें? काहे जाओ? नहीं मैं समय ज्यादा हो गया, छुट्टी कर लें तो कह दो, देर हो गई, चले जाओ। मैं मन नहीं कर रहा, चले जाओ यार। ट्यूशन नहीं जाओ? हाँ आज छुट्टी मनाएंगे। हाँ बाबा फोटो आ रही है? हाँ बाबा की फोटो बहुत अच्छी आ रही है। ऐसे कर दिए ऐसे। हेलो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। किसने कहाँ घुस गया कमरे में? इस पैर में बड़ी कसके लग गई मेरी, मैं ऐसे जा रहा था और यहाँ पे ये चीज निकली है, यहाँ भी बड़ी कसके चोट लग गई, फूल जाएगा भी शायद। ये ऐसे जा रहा था मैं और यहाँ पे कसके मैं लात मारने जा रहा था, जब टायर पे लात मारने जा रहा था तो ये सामने आ गई। मम्मी जो निकला है पैर में लग गया। सही चला करो, दर्द हो रहा है। सही चला करो ना, अब क्या करें? सब साइकिल सही है, चैन सही है मम्मी, लेकिन लग गई पैर में, अब क्या करें? चलो कुछ लगा लो, चल के शराब लगाओ चल के यार। गाइस बहुत कस के लग गई यार पैर में, मारे चला नहीं आ रहा यार, फूल जाएगा यार शायद, अभी लग गया यार। मैसेज कौन करेगा? दिस इज अ प्लान। मम्मी जल्दी शराब लगा दो, चल के शराब लगाओ के जल्दी। रुई ले, रुई।
गाइस अभी मस्त ट्यूशन से तो आ गए, यहाँ पे मम्मी है मस्त पूरे चार दिनों के बाद आ गई हैं, और डैडी इन चार दिनों में जिम नहीं गए थे। डैडी का जिम लगातार छूटते गया था, लेकिन तीन साल से डैडी का जिम एक दिन भी नहीं छूटा, लेकिन इन चार दिनों में डैडी का जिम पूरा छूट गया। तो आज डैडी जा रहे हैं रात के सात बजे जा रहे हैं, तो मैं भी चलता हूँ डैडी के साथ, चलते हैं जिम। अभी पहले खाना खा लेते हैं। खाने में क्या है? दाल चावल खाते हैं, फिर निकलते हैं जल्दी से जिम के लिए। गाइस इधर दाल चावल खाते हैं, फिर जाते हैं। आते हैं यहाँ पे, अभी प्रोटीन एक्स पी रहा है, दादा में प्रोटीन की कमी है इसलिए। गाइस निकल चुके हैं, अभी खाना खाने के बाद जिम के लिए चलते हैं। गाइस पहुंच गए जिम, ऊपर जाना है। गाइस हम लोग पैदल ही आए हैं यहाँ तक। गाइस डैडी पहले गर्म पानी पियेंगे। गाइस कुछ ज्यादा ही भीड़ है, बहुत ज्यादा फुल है पूरा जिम। फिर डैडी कॉफी पियेंगे पानी के साथ, खाली इसमें सिर्फ कॉफी मिली हुई है पानी में। डीजे बज रहा है इसलिए मैं ब्लॉग नहीं बना पा रहा हूँ, और यहाँ पे डैडी भी कर रहे हैं। गाइस अभी ये मैं भी करूँगा। राजा भी अभी मिल चुके हैं जिम में आए थे जिम करने के लिए, ऐसे कर दिए। गाइस 2 घंटे हो गए हमें जिम में आए, अभी 1 घंटा करके फिर जाएंगे। गाइस अभी बस निकल चुके हैं जिम से, अब चलते हैं घर, बैग टांग लिया है। डैडी यहाँ पे खड़े बातें कर रहे हैं फ्रेंड से। गाइस बहुत सारी एक्सरसाइज की, लेकिन आपको थोड़ी ही दिखाई। गाइस फ्रूट ले रहे हैं यहाँ पे, मौसम्मी और अनार वगैरह देते हैं। गाइस यहाँ पे अभी ले रहे हैं कीवी और नाशपाती, ले रहे हैं अपने नाशपाती मस्त। फ्रूट वगैरह लेते हैं फिर चलते हैं घर। गाइस अब आम लेते हैं यहाँ से, कितनी सारी पन्नी हो गई यहाँ पे, नारियल हो गए, आम हो गए, नाशपाती, कीवी, पपीता और भी बहुत कुछ है। गए सारी पन्नी अपनी है यहाँ पे, सारी पन्नी डैडी ने पकड़ ली है यहाँ पे, 2 उसमें 3 उसमें और 1 मेरे पास है, यहाँ पे 6 पन्नी है पूरी अपनी। 10 बजे जा रहे हैं हम लोग, 7 बजे आए थे, 10 बजे जा रहे हैं अब। गए तुझे पनीर तो ले लिया है, और आज मैंने पहली बार स्कैन किया, डैडी ने अपने स्कैनर दे दिया था, आज मैंने पहली बार स्कैन करके कोई सामान लिया है, आज मैंने पहली बार स्कैन करके लिया है 80 रुपये की पनीर 250 ग्राम। मम्मी आ गए फाइनली। इतना सामान क्यों ले आई ये बताओ। मम्मी सारे अलग अलग फ्रूट हैं, कैसी लगी? जब भी डैडी जाते हैं पूरा ले आते हैं एक साथ सारे फ्रूट। गाइस अब सारे फ्रूट को लगा रहे हैं तसले के अंदर, पहले आ गए अपने नारियल, अब रख देते हैं पपीता, क्योंकि अभी ख़राब नहीं होंगे ना ठंडे में सारे फ्रूट, इसलिए। अब आ गए अपने आम, मम्मी निकाल रही हैं सारे। गाइस दादी पनीर काट रही हैं और मम्मी आम काट रही हैं। गाइस अपना रात का दूध पीते हैं फिर सोते हैं। गाइस यहाँ पे है मेरे पास सेरा जिम कंपनी का सेरा टॉनिक आई कवर। गाइस इस आई कवर को खोल के देखते हैं कैसा दिखता है। मम्मी जी आई कवर किसने दिया है? मौसी ने, ममता मौसी ने। गाइस ममता मौसी ने ये आई कवर दिया है, खोल के देखते हैं इसको। आई थी दादा को देखने। अच्छा तो वही लाए थे ये।
गैस सामने से कुछ ऐसा दिख रहा है, यहाँ पे लिखा है सिरा जिम और यहाँ पे लगे हैं सबसे मेन चीज यही है, सबसे मेन चीज जो इसको खास बनाती यही है। यहाँ पे आपको स्टोन दिख रहे होंगे, चार स्टोन यहाँ लगे हैं, इनको यहाँ से कस मतलब ढीला हो सकता है, फिर पहन के ये स्टोन जब आँख से टेस्ट करेंगे तो आँख की रोशनी भी सही कर देंगे, जिसको आईफ्रो होगा आईफ्रो भी सही हो जाएगा, सब कुछ सही होगा, मतलब आँख की सारी दिक्कतें सही हो जाएंगी इससे, है ना मम्मी? ऐसा बताते हैं। उन्होंने कहा तुम इसको एक महीने लगा के सो दो, फिर तुम्हारी आँखें की जो नजर है हल्की हल्की सही होने लगेंगी। आँख से पानी आता हो या खुजली होती हो, मैं सब कुछ बता दो, क्या क्या सही होगा। आँख से पानी आता हो या खुजली होती हो, सर दर्द होता हो, लगा लो। ममता मौसी आई थी अर्पित को देखने वहाँ हॉस्पिटल में, वही लानी थी। अच्छा मैम इसको पहन के दिखाओ जरा एक बार, ये पीछे कर लो हिस्सा, ये वाला हिस्सा पहन के दिखाओ जरा एक बार। गैस मम्मी पहन के दिखा रही है आपको सिरजम का, देखो सर दर्द है तो ऐसे रख लो, सर दर्द होगा तो सर को छुपा छुआ के रखो, और जब सोना हो तो इसको ऐसे कर लो, जब सो रहे हो तो इसको ऐसे करके रखो, पूरा अंधेरा अंधेरा दिखे, इसे जल्दी नींद आ जाती है ना, इसे जल्दी नींद आने लगेगी, उतार दो। गैस अभी मेरे सिरजम कंपनी का सिरा टॉनिक आई कवर पहन लिया है, अब इससे मेरी एक महीने लगातार सोऊंगा इसको पहन के, तो मेरी आँख की पूरी रोशनी सही हो जाएगी और सब कुछ सही हो जाएगा। और यहाँ पे कटा भी है, मैं ऐसे उल्टा लगा रहा था तो नाक पूरा ऐसे आ रहा था, जब मैंने सीधा किया तो यहाँ पे नाक की वो बन के आ गई कटिंग, अब सही है। तो इसी को पहन के मैं इस ब्लॉग को एंड करता हूँ। आई होप आप लोग पसंद आए, अगर पसंद आए वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, मिल जाएगा जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच, बाय बाय कैमरा बाय।